नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए, अभी हम पटना के बोर्डिंग रोड चौराहा पे हैं और यहाँ पे जो होली को लेकर मार्केटें हैं वो लगने लगी हैं। आपको हम बता दें कि होली को लेकर भी पहले की बात कर ले तो 2 साल से होली अच्छा नहीं जा रहा था, क्योंकि कोरोना काल था जिसमें लोग बाहर घर से नहीं निकल रहे थे। और तस्वीरें आपको हम दिखाएँ किस तरीके से जो मार्केट है वो कैसा लग रहा है, और दुकानदारों से भी बात करेंगे कि मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सामान बिक रही है कि नहीं बिक रही है, या फिर ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं। तो आइए बात करते हैं, यहाँ के जो शॉप के ऑनर है उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता। पहले भी आपने दुकान यहाँ लगाया या फिर पहली बार लगा रहे हैं? नहीं, हम 4-5 साल से लगा रहे हैं। 5 साल से लगा रहे हैं। पहले की बात कर ले तो पिछले साल की बात कर ले, या फिर 2-3 साल से दुकान लगा रहे थे आप, चल रहा था कि नहीं? पहले अच्छा था, थोड़ा मार्केट डाउन है, देखिए आगे। कोरोना काल जब आ गया तो उस टाइम उस समय दिखते हुई थी, अब देखिए 19 को तो होली है, देखिए कैसा मार्केट रहता है। 13-14 तारीख आज हो गया, 2-3 दिन और है। अभी कितने दिन से लगा रहे हैं? अभी हम 3 दिन से लग रहा है। 3 दिन से लगा रहे हैं, 3-4 दिन से। ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे, उतना फुटबॉल नहीं है जो होना चाहिए होली का, वो चीज़ नहीं है जो पहले था। से मतलब 2-3 साल पहले लगता था कि नहीं होली का कस्टमर पहले ही आता था, जिसको जाना है वो लोग अपना लेके चले जाते थे। अब पहले वाली बात है नहीं, कस्टमर उतना आ भी नहीं रहे, ज़्यादा दिन भी नहीं बचा हुआ है। आप भी देख रहे हैं 14 हो गया, 19 को होली है, 3-4 दिन और है, 17 को अजा है। अभी तक में कितने कस्टमर आ गए? अभी वही मोटा मोटे 35% लोग आए हैं 100 में। देख सकते हैं जो माहौल है वो देख सकते हैं किस तरीके से होली का माहौल है, और लगातार जो कस्टमर है वो कम आ रहे हैं। पहले जैसा मार्केट नहीं है, पहले की बात कर ले 2-3 साल से जो दुकानदार है वो परेशान चल रहे थे, क्योंकि कोरोना काल था, इसके चलते जो दुकानें हैं वो नहीं चल पा रही थी, होली अच्छे से लोग नहीं मना रहे थे, क्योंकि कोविड के चलते घर से बाहर निकलना नहीं था लोगों को। और भी कुछ दुकानदार हैं उनसे भी बात करें, लेकिन फिलहाल आपको हम तस्वीर दिखाएं किस तरीके से जो दुकानें हैं वो लगने लगी है। तमाम पुचकारियाँ, रंग हो, गुलाल हो, या फिर जो बाल रहते बिक रहते हैं वो सब भी हैं। तमाम जो आइटम हैं बिकने के होली को लेकर वो सब बिक रहे हैं। टी शर्ट भी यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ के जो दुकान के ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। दुकान कैसा चल रहा है? पहले जैसा नहीं है, लेकिन जैसा मार्केट रहना चाहिए था पहले से कम है, लेकिन मार्केट है। दिन भर में कितने ग्राहक आ जा रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन शाम में ग्राहक आते हैं 4-5 बजे के बाद, धूप के बाद। कोई ग्राहक उतना नहीं आ रहे, अभी एक दो आ रहे हैं। पहले की बात कर ले, 2 साल से कोरोना था जिसके चलते बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी, लेकिन अब की बात कर ले तो पहले से ठीक है कि नहीं? पहले से ठीक नहीं है सर, कोरोना के टाइम में ठीक था आप लोगों का? नहीं नहीं, जैसे कोरोना से पहले ठीक था, कोरोना के बाद जो अभी स्टेप चल रहा है ना उसके बावजूद ठीक नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं, 2 साल पहले की बात कर ले तो मार्केट ठीक था, लेकिन कोरोना जब से आया तब से मार्केट सही नहीं चल रहा है। देखिए, और भी जो स्टॉल हैं होली को लेकर वो लगे हुए हैं बोरिंग रोड चौराहा पे, हमने बताया था आपको, हैं अभी हम। देखिए जो ग्राहक है वो आने लगे हैं। आपका क्या नाम है? राखी। राखी, इस बार का होली कैसा होने वाला है? क्या कुछ आपके घर में, कैसे होली मनता है? कुछ नहीं, हमारे घर में बस वही नॉर्मल रंग अबीर की होली, और बस कुछ खास नहीं, खाना बनता है अच्छा मीठा कुछ भी बस। आप अपना नाम बताइएगा। सानवी। इस बार होली कैसे मनने वाला, कैसे आपके घर में होली मनता है? मैं नॉर्मल सिस्टर नहीं है, मतलब नॉर्मल खाना पीना बनता है, छोटा बच्चा है उसके साथ खेलते हम लोग होली बस, हो गया। पहले 2 साल से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही, कोरोना था उसमें। हाँ, नहीं खेला होगा आपने? नहीं, तो मतलब नॉर्मल फैमिली के साथ, थोड़ा बहुत अबीर के साथ, गुलाल के साथ खेलते थे, ऐसे कुछ नहीं। क्या कुछ खास रखा है अपने दुकान में आपने? खास है सब, रंग है, अबीर है, बाल है, पाइप वाला गन है, हर्बल गुलाल है, हर्बल अबीर है, सब आया है। खास है क्या? खास है हर्बल गुलाल में मुर्गा ब्रांड का आया है, और स्मोक कलर भी आया है जो धुआं निकलता है छोड़ने के बाद अबीर का। क्या रेट क्या है ये सब का? रेट आपका हर्बल अबीर का 350 से स्टार्ट है, 750 तक, और स्मोक का 450, 150, 350, अलग अलग रेट, अलग अलग रेट का है। ये बताइए ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं, मतलब पहले? हाँ, ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक तो आ रहे हैं, अभी थोड़ा समय है तो ग्राहक धीरे धीरे आ रहे हैं। पूरे दिन में कितना ग्राहक आ गए होंगे अभी तक? अब ग्राहक तो आ ही गए हैं, ऐसा थोड़ी है, ग्राहक आ रहे हैं, 10-20 आदमी अभी आया है, अभी तो टाइम हो ही रहा, शाम में मार्केटिंग का समय है। बिल्कुल देख सकते हैं ये भैया का दुकान है, और यहाँ देख सकते हैं तमाम जो चीज़ें हैं होली को लेकर वो उन्होंने रखी है, तमाम अलग अलग रेट का जो सामान है वो मिल रहा है। इस बार होली को लेकर बात करें तो पहले जैसी
होली नहीं मन रही है क्योंकि जो लोग हैं वो नहीं आ रहे दुकान में। अगर बात करें तो कम लोग आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या कुछ कहना था भैया का आपने सुना है। तमाम अलग अलग प्रकार का जो अबीर है वो रखे हैं, हर्बल गुलाल भी रखे हैं दुकान वाले भैया। भैया कैसा चल रहा है दुकान, कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, कस्टमर का तो अभी फ्लो नहीं है, लेकिन ग्राहक है पहले जैसा मार्केट मतलब? नहीं 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 नहीं, पहले जो भी मार्केट रहता था इस बार कुछ नहीं है, बस बस। हाँ देख सकते हैं जो ग्राहक है वो कम आ रहे हैं, शाम के टाइम ग्राहक आते हैं। ये भैया थे, इनका साफ साफ कहना था कि दिन भर में अभी तक में दो ग्राहक आए हैं, दोपहर हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार होली कैसा मनता है लोगों का। और भी लोगों का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। फिलहाल इस वीडियो में ही और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।